जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो चलिए आज आपको मिलाता हूँ हमारे मतलब जो हमारे घर के बाहर रहते हैं, और ये भी मतलब इनको हम लोगों ने ही रखा है, तो आपको दिखाता हूँ। भैया दौड़ के आ जा बेटा, आ गया। ठीक है, तो अगर ये है इन लोगों के लिए जो रखिए, मैं बोलूँगा आप स्ट्रीट डॉग्स रखिए, सबसे बेस्ट है स्ट्रीट डॉग सब रखिए। ओए मत काट उसको, ओए रुक जा, ओए इधर आ जा, सबसे बेस्ट है स्ट्रीट डॉग्स रखिए, सबसे बेस्ट है। आपको अगर फर्स्ट टाइम डॉग रख रहे हैं तो स्ट्रीट डॉग रखिए, पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए। ब्रीड में डायरेक्ट मत जाइए, ब्रीड डॉग्स डायरेक्ट मत रखिए। जल्दी आ जा, सबसे पहले हमेशा मतलब डॉग ब्रीड जो भी रख रहे हैं उससे पहले हमेशा, जब मैं भी पहले मेरे पास 20 स्ट्रीट डॉग्स थे। आ जा इधर, आ जा। शेक हैंड भाई। ये देखो शेक हैंड, इंसान धोखा दे देंगे, लेकिन इनको अगर एक बार बिस्किट भी दे दिया ये लोग नहीं धोखा। मैं बोलूंगा सबसे पहले स्ट्रीट डॉग रखिए, उसके बाद जो भी ब्रीड डॉग्स रखिए सबसे बेस्ट। अब एक पहले एक्सपीरियंस कीजिए डॉग्स रखने का तरीका क्या। छोटा सा एक वीडियो था, तो ये एक अवेयरनेस है कि हमेशा डॉग ब्रीड्स मत रखिए, महंगे महंगे ब्रीड स्ट्रीट डॉग्स आप अडॉप्ट कीजिए अपने घर के पास। पहले वो रखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद घर पे एक अच्छा सा ब्रीड रखिए। आपको कोई भी ऐसा मतलब ब्रीडर नहीं बोलेगा, सेलर नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे डॉग ब्रीड रखिए ब्रीड रखिए। मैं बोलूँगा स्ट्रीट डॉग पहले फर्स्ट आप प्रेफरेंस दीजिए, घर के पास जो भी छोटा बच्चा मिल रहा है उसको रखिए, घर पे रखिए या बाहर रखिए, लेकिन उसको मेंटेन कीजिए। उसके बाद ठीक है, अच्छा उसको डॉग फूड खिलाइए, जो भी आप अच्छा घर का मेंटेन करके मतलब घर का फूड खिलाइए उसको, और फर्स्ट उसको मेंटेन कीजिए। इनका जो मेंटेनेंस भी कम होता है ना। इधर आ जाओ, इधर के बाद मेरा वाला उधर चला गया। ठीक है, तो पहले आप हमेशा स्ट्रीट डॉग रखिए, उससे आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिले। आ जाओ बेटा, आ जा, ओए इधर आ, इधर दौड़ गया, रुक गया, आ जाएगा वो अपने आप आएगा।